दोस्तों, पातूर प्रीमियर लीग का मिनी एडिशन आज 25 मई को खत्म हुआ है। इस मिनी एडिशन के बारे में चार टीमों ने हिस्सा लिया। नॉकआउट के दौरान दो दो टीमें के बीच में फाइनल मैच हुआ, रॉयल अल्फला वर्सेस एमसीसी, जिसमें रॉयल अल्फला को जीत हासिल हुई है। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन टू पूरी टीम और कैप्टन को, और साथ ही एमसीसी कमर रही है, हार्ड लक, कोई बात नहीं, अगले बारी में जीत जाएंगे। तो ये एक छोटी सी पहल थी क्रिकेट को उजागर करने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी बड़े पैमाने पर हम पातूर प्रीमियर लीग का एडिशन शुरू करने वाले हैं और बाहर की टीम को भी जरूर इसमें इनवाइट करेंगे। तो बात करते हैं आज के फाइनल के मैन ऑफ द मैच की। तो फाइनल मैरिज मैच में काफी अच्छे परफॉर्मेंस रहा, मगर मैच विनिंग परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो सचिन पाटिल का रहा। तो मैं सचिन पाटिल को कांग्रेचुलेट करूंगा और डॉक्टर अफान सैयद से गुजारिश करूंगा कि वो इन्हें इनका इनाम देकर इनका एजाज बख्शे। जोरदार ताली हो जाए। इसके साथ ही मैं एक और मैन ऑफ द मैच, जो कि शेयर मैन ऑफ द मैच है, तो हमारे अमीन भाई सीनियर क्लियर, हमारे अमीन भाई से दरख्वास्त करूंगा कि शायद अमीन भाई सेकंड प्राइज लेंगे ना उनकी टीम का। नाम सबसे पहले हम सलमान भाई से गुजारिश करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आपके हाथों से अमीन भाई सेकंड प्लेयर है, एमसीसी सेकंड नाम दिया जाए। अरे इधर 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 हमारी बैटिंग में ऑर्डर जो था आज का, अच्छा तो थोड़ा फेल हो गया। वो जैसे हमारा टारगेट का, वो हमारा टारगेट हम बना नहीं सके, मगर सामने वाली टीम ने आसानी से चेस कर लिया। हमारा जो टारगेट था 70 रन का, वो मिस हो गया हमारे। तो जिस चीज का आप सभी को इंतजार था आज मिनी एडिशन पीपीएल के विनर घोषित करने का, तो रॉयल अल्फला आज के विनर है। तो मैं डॉक्टर अफान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रॉयल अल्फला के कैप्टन को पहला इनाम और सिक्स एंड बॉल का पैक देकर जो है ये होना चाहिए पातूर में, क्योंकि क्रिकेट जो पातूर का था खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो पहल की बहुत अच्छी है और ये मेरे ख्याल से ये रखना चाहिए सबको और सबको इसमें सपोर्ट करना। और बेहतरी के लिए अगर अमीन सर आप कुछ कहना चाहिए और क्या बेहतरी करनी चाहिए? बेहतरी ये करना है हमारे को कि हमको ग्राउंड का अच्छा इंतजाम करना है, और विकेट अच्छी बनाना है, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चांस देना है, नए बच्चों को आगे लाना है। ये सब हुआ तो ऑटोमेटिक बेहतरी हो जाएगी। और मेरी यही अपील है, मैंने पहले भी सारी भाई से कहा था कि अभी जो टूर्नामेंट हुआ है सब मिलकर अपन पूरे पात्र में खेल जाए तभी सक्सेस हुआ। तो टूर्नामेंट भी अगर अपन भराती है तो सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तभी वो जमेगा, रंग जम मिल बैठेंगे सभी यार। बहुत सही, बहुत सही। आ गया वीडियो भी अच्छा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।